नाम विशाल लड्डा, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उतना बड़ा नहीं हूँ. माय एज इज 37. आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 14 इयर्स. आई एम अ डायरेक्टर एट विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज व्हिच इज माय फैमिली बिजनेस एंड वी आर इनटू प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग वेयर वी सप्लाई प्रिंटिंग कंज्यूमेबल्स टू ऑल द प्रिंटर्स पैकेजिंग हाउसेज एंड न्यूज पेपर्स अक्रॉस इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ स्मॉल स्टार्टअप वेयर वी मैन्युफैक्चर राइस स्ट्रॉज व्हिच इज एन ऑल्टरनेट टू प्लास्टिक एंड पेपर. सो अब ये राइस स्ट्रॉ का आइडिया कहाँ से आया? ये आया मुझे कोविड के अंदर. When I thought really COVID has hit us as a karma, as a bad karma, that what goes around comes around. So it is our moral duty to do something for the society and give it back. So that's how I started making rice straws. And मैंने बोला कि यार कहीं ना कहीं एक step लेना पड़ेगा आगे. And plastic के against हम एक ban लगाते हैं. And the government also helped. So single use plastic सारे बंद कर दिए. And I'm sure आप लोगों ने मेरा straw कहीं ना कहीं use किया भी होगा. अगर आप लोग में से कोई सोशल गया है ऑफ लेट, सोशल नेचुरल्स आइसक्रीम मेनलैंड चाइना, तो आप जो स्ट्रॉज देखते हैं वो सारा हमारा थ्रू किया गया है. तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब जाओ तो प्लीज फोटो खींच के भेजिएगा कि हम आपका स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं. दैट इज अ बिग अप्रिसिएशन फॉर अस कि मार्केट में हमारे स्ट्रॉज वगैरह भी है. सो ऑलराइट, आज मेरा टॉपिक है आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप सब लोग MBA बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आप सब खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं. तो कितने लोग हैं आप में से जो खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले वो बताएं. अरे वेरी गुड. एंड कितने लोग समझते हैं कि आप खुद एक ब्रांड है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो यस, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया हु थिंक दैट दे आर अ ब्रांड, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ब्रांडिंग स्टार्ट्स विथ यू. योर ब्रांड इज योर पर्सनैलिटी. योर प्रोडक्ट रेजोनेट्स योर क्वालिटीज जो आप है. जो तीन पिलर होते हैं हर प्रोडक्ट के, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड डिलीवरी. ये तीन चीज अगर आपके पास में है सो यू आर अ ब्रांड, राइट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. उसके हाथ में टाटा के प्रोडक्ट्स कितने लोग यूज करते हैं? हम सब कुछ ना कुछ तो करते होंगे. टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा की गाड़ी हो या फिर विस्तारा एयरलाइन, हम टाटा क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले ये बिकॉज इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि टाटा का प्रोडक्ट है, अच्छा ही है, रिलायबल है. एक बहुत पुरानी कंपनी है तो एक लेगेसी चलती आ रही है टाटा की. एंड ऑल्सो विद दैट मिस्टर रतन टाटा, उनकी पर्सनैलिटी, राइट. तो जैसे मैंने बताया, जो समझते हैं कि वो खुद एक ब्रांड है, यू आर राइट. हम रतन टाटा जी को कहीं ना कहीं उस ब्रांड के पीछे देखते हैं, सोचते हैं कि यार हमारे हाथ में चीटिंग तो नहीं होगी, किसी दूसरे ब्रांड को चांस देने से अच्छा है हम टाटा का ही प्रोडक्ट ले लें, राइट. सो दिस इज हाउ ब्रांडिंग गोज. सो अगर आपको ब्रांड क्रिएट करना है तो आपको खुद को एक ब्रांड बनना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आप वो कस्टमर हो जो खुद का प्रोडक्ट खरीदने वाले. अगर आपने बना दिया और सोच रहे हैं मेरे काम का नहीं तो मैं क्या करूं, सो थिंक फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन ओनली यू आर अ ब्रांड. तभी आपका ब्रांड चल पाएगा. सो नाउ लेट्स डीकोड सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी है क्या? हम खाली उसे बोलते हैं कि इको फ्रेंडलीनेस से एसोसिएट करते हैं, बट सस्टेनेबिलिटी अगर मैं डिफाइन करूं एक छोटे से इसके अंदर, तो सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट हार्मिंग लिविंग बींग्स और दी एनवायरमेंट. इट इज वेरी सिंपल. तो आप सस्टेनेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में भी कर सकते हो, आपकी पढ़ाई में भी कर सकते हो, हर चीज में कर सकते हो. सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इट इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपके लिए सस्टेनेबिलिटी कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और है. सो अगर आपको सस्टेनेबिलिटी अप्लाई करना है आपके ब्रांड के साथ में, मेक श्योर वॉट इज योर एजेंडा बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी. आप किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. नाउ लेट्स कम टू ब्रांडिंग. एंड उसके पहले ना मैं आपको आज एक दो गुरु मंत्र बताऊंगा जो मुझे भी मेरे गुरुओं ने सिखाया है. मैं जब MBA कर रहा था, मैं IIM में पढ़ाई कर रहा था, बाकी सारी चीज़ों के अंदर, तो दो चीज़ जो मेरे साथ में हमेशा रह गई वो ये है. सबसे पहली, प्लान एंड वर्क, डोंट वर्क एंड प्लान. सब लोग रिपीट करेंगे, प्लान एंड वर्क, डोंट वर्क एंड प्लान. अब आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर लो पूरे लाइफ में. अगर आप प्लान करके काम कर रहे हो यू विल नेवर फेल. अगर आप बाद में काम के साथ साथ में कर रहे हो तो BMC वाला काम होगा कि रोड खड्डा तो कर दिया, पाइप डालना भूल गए फिर खड्डा कर. डबल टाइम काम नहीं करना है हमें, एक बार करना है लेकिन अच्छे से करना है, राइट. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए सिस्टमैटिक मैंने एक फनल बनाया है जिसे मैं कहता हूँ 5 C's प्रिंसिपल. ये आपको कोई बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, मेरे खुद का ज्ञान है. तो 5 steps है जो मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहला सी जो है वो है क्यूरेशन. क्यूरेशन को हम बिजनेस लैंग्वेज में इंसेप्शन या इंक्यूबेशन भी कहते हैं.
ये वो स्टेज है जब ब्रांड आपके माइंड में है, आपके पास वो आइडिया है, बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है यू डोंट नो दैट। तो उसके लिए आपको क्या क्या सी चीजों की जरूरत है इंसेप्शन के अंदर, आप जब क्यूरेट कर रहे हो कि आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं मार्केट के अंदर, आपके रिसोर्सेस कौन से रहेंगे अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो, क्या कॉस्ट प्राइस पे बिकेगा, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे बिफोर क्रिएटिंग अ ब्रांड। तो आपको ये सारी चीजें जॉट डाउन करनी पड़ेगी, दैट इज द क्यूरेशन स्टेज। एक बार आपने क्यूरेट कर लिया तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे। सिंस यू हैव ऑल द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, नाउ आप ब्रांड को क्रिएट करोगे, अब या आपका प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे। तो ब्रांड क्रिएट करने के बाद भी आप सीधा मार्केट में तो नहीं जाओगे, तो आप क्या करोगे, एक करोगे बीटा टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। आप मॉकअप बनाओगे, एक छोटा सा स्मॉल बैच एक रेडी करोगे और आप फोकस ग्रुप के अंदर उसको स्टडी करोगे कि आपने कॉलेज स्टूडेंट्स को दे दिया, अपने फैमिली को दे दिया, रिलेटिव्स को दे दिया, उनसे पूछोगे अपना फीडबैक कि क्या ये प्रोडक्ट सही है मार्केट में जाने के लिए, इसमें कुछ कमी है, कुछ चीज सही है। तो आप हमें वो सारी चीजों के डिटेल दो, आपके पास में वो सारी डिटेल्स आ गई, उसके बाद आप क्रिएट करोगे आपका प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, क्यूरेशन। सेकंड क्या था, क्रिएशन। अब थर्ड स्टेप आता है, वो क्या है, कम्युनिकेशन। अपने प्रोडक्ट बना लिए, आप लोगों तक कैसे पहुंचोगे, कम्युनिकेट तो करोगे। सो नाउ कम्युनिकेट इज द स्टेप वेयर यू एडवर्टाइज और यू मार्केट योर प्रोडक्ट। आप लोगों ने ना फेमस एड सुने होंगे, अगर आप लोगों को पता है तो सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। ठंडा मतलब, वेरी गुड, स्प्राइट। अरे कौन था भाई, रॉन्ग एड देख रहे हो। तूफानी थंडर, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम लविंग इट, देखो आप सब लोगों को पता है। तो ये सारे ब्रांड्स ने क्या किया है, अपना कम्युनिकेशन क्लियर कर लिया। अगर ठंडा है मतलब कौन है, कोका कोला है। तो आपको भी अपना कम्युनिकेशन कस्टमर्स के हाथ में क्लियर रखना पड़ेगा कि आप हो क्या, वरना आप गुम हो जाओगे आपके खुद के थॉट्स में। सो योर विजन एंड योर कम्युनिकेशन हैज टू बी अलाइंड विथ योर ब्रांड एंड योर प्रोडक्ट, राइट। तो ये हो गया कम्युनिकेशन पार्ट। आप किसी भी तरह से फिर उसको एडवर्टाइज कर सकते हो, टीवी पे कर सकते हो, रेडियो, डिजिटल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया इतना फेमस है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये वो बहुत सारी तरीके हैं करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर बजट कि आप क्या बजट से आपका ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो। अब जो फोर्थ स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कोलैबोरेट। कोलैबोरेशन का मतलब ये है, आपके पास में तीन चैनल्स होते हैं आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए। सबसे पहला है D2C। D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर या डिजिटल टू कंज्यूमर, आप कैसे भी ले सकते हो उसको। आपने एक बार आपका प्रोडक्ट बना दिया, अब आप उसको अलग चैनल्स के थ्रू बेचना चाहते हो। डिजिटल टू कस्टमर मतलब क्या हो गया, आप फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हो, अमेजोन के थ्रू बेच रहे हो, मिंत्रा के थ्रू बेच रहे हो, आपका खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बट आप थर्ड पार्टी सेल्स कर रहे हो। तो ये हो गया D2C। दूसरा मार्केट ये क्या है, दूसरा है B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और आप एक दूसरे बिजनेस को बेच रहे हो। आप खुद से ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे, खुद की मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, वो ब्रांड को बनाकर दे रहे हो, बस आपकी फैक्ट्री चल रही है। वो बहुत अच्छा मॉडल है आज के टाइम के अंदर, बिकॉज द अदर कंपनी इज पेइंग एवरीथिंग, वही ब्रांड क्रिएट करिए, सब कुछ वही करिए, आपको खाली प्रोडक्ट बना के आपका प्रॉफिट ऐड करके उनको देना है, दैट इज योर B2B बिजनेस। थर्ड इज B2C विच इज बिजनेस टू कंज्यूमर्स। बिजनेस टू कंज्यूमर्स आप जहां पे डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, रेस्टोरेंट हो गया, कैफे हो गया, आपका क्लोथिंग स्टोर हो गया, जहां पे डायरेक्ट कस्टमर्स आपके पास में आ रहे हैं। तो ये हो गया कोलैबोरेशन। एंड द लास्ट इज कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब है कि आपका सेल्स अब तक हो चुका है। हम घर में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह खरीदते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखते हैं, उसकी आफ्टर सेल्स, राइट, कि हमें बाद में सर्विसिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये कनेक्ट स्टेप जो है ना, ये है आफ्टर सेल्स के लिए, क्योंकि सेलिंग इज अ होलिस्टिक, इट्स अ 360 डिग्री प्रोसेस, क्योंकि कस्टमर्स आपको फिर से भी तो चाहिए, खाली एक बार प्रोडक्ट लेके तो नहीं चाहिए कि वो एक बार खरीद ले फिर चले जाए, बार बार खरीदे आपका प्रोडक्ट। तो कनेक्शन स्टेज के अंदर हम यही करते हैं कि कस्टमर्स के पास में फिर जाते हैं, उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन पूछते हैं, अगर कहीं हमारी सर्विस के अंदर कोई प्रॉब्लम थी वो पूछते हैं उनसे, एंड दैट इज हाउ यू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स। एंड टू एंड दिस आई विल कंक्लूड विद माय सेकंड गुरु मंत्र, ये सब आप याद रखिए, ये भी साथ में बोलिएगा मेरे, डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट देन योर स्पीड। डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट देन योर स्पीड। तो आप स्लो पेस पे काम करो लेकिन सोच समझ के करो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बींग सच अ लवली ऑडियंस।